दिवाली से ठीक पहले सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार अब अपने उपभोक्ताओं को सस्ता भोजन कराने के लिए जबरदस्त ऐलान करेगी। सरकार ने सस्ती कीमत पर दाल और प्याज मुहैया कराने की घोषणा कर दी है। उपभोक्ता मंत्रालयों ने गुरुवार को कहा कि दीपावली पर खाने पीने की चीजों के दाम कंट्रोल में रखने की सभी कोशिशें जारी हैं। उपभोक्ता मंत्रालयों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्यों को बेहद कम कीमत पर दाल मुहैया कराने की घोषणा भी की है। केंद्र सरकार ने दालों की कीमत में 8 रुपए की कटौती की है और इसी कीमत से राज्यों को दाल मुहैया करा रही है ताकि उपभोक्ताओं तक सस्ता अनाज पहुँचाया जा सके और जनता त्योहार में बढ़ती महंगाई से राहत ले सके। इसके अलावा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्याज की कीमतों को भी कम किया है। उपभोक्ता मंत्रालयों के अनुसार सरकार त्योहारों पर बाजार में प्याज की किल्लत न होने के लिए बफर स्टॉक से प्याज मुहैया कराएगी। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरकार के पास अभी करीब 43 टन दालों का स्टॉक है। त्योहारों से पहले ही सरकार ने राज्यों को सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध करा दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब तक राज्यों को 88,000 टन दाल उपलब्ध करा चुकी है। सरकार ने मसूर दाल की MSP 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई है, जबकि मसूर की MSP 5,500 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये तक जा पहुंची है। यानी सरकार किसानों के हित का भी सोच रही है। गौरतलब है कि भारत उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए दालों का आयात करता है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक म्यांमार से वित्त वर्ष 2022 से 2026 तक देश में हर साल 2.5 लाख टन उड़द और 1 लाख टन अरहर दाल का आयात किया जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी से भी अगले 5 साल में 50,000 टन अरहर दालों का आयात करने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।